समकालीन का हमने जैसे जिक्र किया कि समकालीन का अर्थ होता है एक जैसे ही समय अवधि को हम समकालीन बोलते हैं, और समकालीन जो टाइम पीरियड है उसको लेकर के विद्वान एकमत नहीं है। कुछ विद्वान बोलते हैं कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद का जो समय है वहां से हम समकालीन समय अवधि को मानते हैं, और कुछ विद्वान बोलते हैं कि भाई कहीं ना कहीं 1990 का जो दशक है जहां पे सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, बेलारूस यूक्रेन इस तरीके से वो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 9 नवंबर 1979 को वो तीन भागों में विभाजित हो जाता है रूस, तो वहां पे रूस का विघटन औपचारिक तरीके से 9 नवंबर 1979 को होता है। उसके बाद रूस पूरी तरीके से धराशायी हो जाता है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जहां कोल्ड वॉर के समय दो महाशक्तियों का उदय था वहां पे एक ही महाशक्ति रह जाती है अमेरिका के रूप में। और इस तरीके से कुछ विचारक बोलते हैं कि 1990 के दशक से जब सोवियत संघ का पतन होता है तो उसके बाद से हम समकालीन जो समय है उसको मानते हैं। तो विचारक कोई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से समकालीन समय अवधि को मानते हैं, कुछ 1990 के दशक जब सोवियत संघ का विघटन होता है तब से मानते हैं।